मैं हूँ लीला, लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ आज छत्तीसगढ़ की हमारी भाजी, जिसे खट्टा भाजी भी बोलते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो खट्टा रहता है, इसलिए इसको खट्टा भाजी बोलते हैं। और इसको दाल के साथ बनाया जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम ऐसे पत्ते पत्ते इसका ही तोड़ के ले लेना है, इसका जो डंडी है उसको नहीं लेना है। इसको तोड़ के अच्छे से धो लेना है 2-3 बार के लिए। और हम आज इससे गांव के जैसे चूल्हे में बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ राहल की दाल, जिसे तुअर की दाल बोलते हैं, या लाखड़ी के दाल। गाँव में ज़्यादा अधिकतर लाखड़ी के दाल, जो तिवरा का दाल बोलते हैं, उससे बनाते हैं इसको। तो हम दाल ले लेना है। और तड़के के लिए हमें चाहिए लहसुन है, सूखी मिर्च और एक प्याज छोटा सा। तो दाल को हमको धो के चढ़ा लेना है। तो आज मैं गांव के तरीके से बना रही हूँ, उसको धो के कढ़ाई में चढ़ा लूँगी, कुकर में नहीं बनाऊँगी इसको मैं। तो इसको मैं दाल को धो लेती हूँ, पहले धो ली हूँ और मैं कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ। दाल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें मैं 1-3 गिलास के ऊपर पानी डाल दी हूँ और दाल को डाल देती हूँ। मैं दाल कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो दाल जल्दी से पक जाए इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच हम तेल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, ताकि हमारा जो दाल है वो जल्दी से पकेगा। इसमें नमक डाल देते हैं। जिस तरह हमें को दाल चाहिए उसी तरह से इसको हमें 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। और मैं इसको ढक के पका लूँगी, ताकि हमारा जो दाल है वो जल्दी से पकेगा। और दाल हमारा अच्छे क्वालिटी है का है, तो ये 15 मिनट में ही पक जाएगा। ये 3-4 मिनट हो गया है और दाल में उबाल आ रहा है। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा ढक्कन को साइड कर देना है, ताकि दाल का जो पानी है वो उबल के नीचे गिरे ना। इसलिए हमको थोड़ा सा ढक्कन साइड कर लेना है और ऐसे ही पकने देना है। मैं निकाल लेती हूँ, 20 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेती हूँ दाल का। हमारा एक बार और चेक कर ली थी तो नहीं हुआ था, वो भी 20 मिनट में चेक कर रही हूँ। देखिए दाल हमको एक पकड़ के देख लेते हैं। और दाल हमको बस ऐसी चाहिए, हमारा दाल अच्छे से पक गया है, 20 मिनट लगा इसमें। अब इसमें डाल देती हूँ भाजी, धो के जो रखी थी उसको वो डाल देते हैं। अब आप ज़्यादा पानी वाला दाल खाना चाहते हैं तो इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। अगर सूखी वाली खाना चाहते हैं तो नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक पहले से डला हुआ है, तो टेस्ट करके हम डालेंगे नमक हमारा। तो इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर, डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच, और मिर्ची डाल दूँगी अपने टेस्ट के अनुसार, क्योंकि तड़के में लाल मिर्च डालने वाली हूँ। तो 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देती हूँ 1/2 गिलास पानी, ताकि हमारा जो दाल है थोड़ा सा गाढ़ा है। तो 1/2 गिलास इसमें पानी डाल लेते हैं। 1/2 गिलास पानी डाल दी हूँ इसमें, और अच्छे से चम्मच चला लेना है। और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। और जो हमारा ढक्कन है उसको थोड़ी सी आधा खुली रख देंगे, ताकि हमारा जो दाल है वो उबले ना। तो इसको 2-3 मिनट के लिए होने देते हैं। ढक्कन हटा के देख लेती हूँ, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारे भाजी है अच्छे से पक गया है। देखिए अब इसको हम तड़का लगा लेंगे। तो या हम तो इसको पलट देंगे या तो दूसरी कढ़ाई ले लेंगे। तो मैं दूसरी कढ़ाई ले ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, कढ़ाई गर्म होने देते पहले। गर्म हो गया कढ़ाई, अब तेल डाल देते हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अभी। अब इसमें डाल दे रही हूँ लहसुन। लहसुन को अच्छे से इसको लाल होते तक भून लेंगे। लहसुन और
लाल मिर्च के तड़के में ये भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और गर्मी के दिन में तो इसको बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। तो आप घर में बना के ज़रूर ट्राई करिए, इस तरह एकदम गाँव की रियल स्वाद है, तो आप ज़रूर बना के देखिए। अब इसमें डाल देती हूँ सूखी मिर्च, चाहे तो इसमें आप कड़ी पत्ते डाल सकते हो, फिर मैं नहीं डालूँगी। अभी प्याज डालो, प्याज को भी अच्छे लाल होते तक भून लेंगे, तभी हमारे जो तड़का का स्वाद है बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। तो प्याज लाल होते तक इसको भून लेना है। लाल हो गया है, अब इसमें डाल देती हूँ भाजी। तो भाजी को एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालेंगे पूरा जो भाजी एकदम उछाल आके हाथ हाथ में जलने का डर रहता है, तो थोड़ी थोड़ी करके हम डाल देंगे इसको। तो आप इस तरह बना के जरूर ट्राई करिए एक बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस एक मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए मैं भाजी को एक मिनट के लिए पका ली थी, और अच्छे से भाजी हमारा पक गया है तड़के के साथ। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।